आजकल छोटा बड़ा कोई भी सेलिब्रेशन हो, केक के बिना इनकम्प्लीट रहता है। और कई बार हमारा भी मन करता है ना कि घर में ही केक बना ले, लेकिन लगता है इतना झंझट कौन करे। तो आज ना मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत आसान, अब तक की सबसे आसान रेसिपी है। सिर्फ वही इंग्रेडिएंट इसमें यूज करें जो हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। बिना एग, बिना ओवन और बिना कंडेंस्ड मिल्क के बहुत आसानी से बनाएंगे मेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक। तो चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ ना मैंने लिया है ये ग्राइंडिंग जार, क्योंकि बीटर वगैरह अक्सर सबके पास नहीं होता है, तो इस तरह का ग्राइंडिंग जार लेंगे। और इसमें डाल दूंगी मैं आधा कप चीनी का पाउडर, आधा कप दही, और ये 1/4 कप है ऑयल। ऑयल हमको कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल नहीं लेना, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है या फिर ग्राउंड नट ऑयल है, वो हमें यहाँ नहीं लेना है, रिफाइंड ऑयल ही लेना है, वरना केक का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही खराब हो जाएगा। अब सब चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एकदम फ्लफी सा होने तक। तो देख सकते हैं एकदम फ्लफी सा ये मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। तो ये जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ये रेडी हैं। वेट और ड्राई दो तरह के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं केक में, तो ये वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक बोल में। अब हमें चाहिए यहाँ पे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं रख रही हूँ एक छलनी, और छलनी के ऊपर हम डाल देंगे 1 कप मैदा। जो भी चीज़ें यहाँ लेनी है ना वो सब हमें छान के ही लेनी है। तो 1 कप मैदा लिया है, और ये है 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा छोटा चम्मच है ये बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा या खाने का सोडा जिसको हम बोलते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं। अब इन सब चीज़ों को ना हम बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। केक बनाते टाइम हमें एक तो ध्यान रखना है जो मेजरमेंट है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आप या तो कोई भी कप वगैरह ले लें उसके हिसाब से करें, या फिर जो मेजरिंग स्पून्स आते हैं मार्केट में वो आप ले लें, तो बहुत ही बेहतरीन केक आपका बन के तैयार होगा। अब सब चीज़ों को ना हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, और यहाँ जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, क्योंकि इतना थिक बैटर हमको नहीं चाहिए। तो लगभग 1/4 कप मैंने लिया है दूध, थोड़ा थोड़ा इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी 2-3 बार में, और इसे हम मिक्स करते जाएंगे स्मूथ सा। और ना तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं दूध ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखना है कि दूध एकदम ठंडा या एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो हम केक में डालें वो ठंडी या गर्म ना हो, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे चाहिए हमें। तो बेकिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का हमें। अब मैं ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने डाला है इसमें पाइनएप्पल असेंस, 1/2 टीस्पून असेंस डाला है मैंने। आप कोई और असेंस भी डाल सकते हैं, या कुछ भी नहीं आपके पास तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बस सभी चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अब लेंगे केक टिन। तो केक टिन आपके पास नहीं है तो कोई टिफिन वगैरह ले सकते हैं, कोई भी आपके पास बोल है तो वो ले सकते हैं। इसमें ना ऑयल स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ अच्छे से, और थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे। मैदा को भी ना हम अच्छे से इसमें चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि केक जो है ना वो चिपकेगा नहीं। मैदा आपको लगता है अगर कि ज़्यादा है तो फिर आप इसको ना उल्टा करके सारी मैदा बची हुई निकाल सकते हैं। अब इस केक बैटर को हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं केक टिन में। तो आपने देखा कितना आसानी से ये बैटर हमने बनाया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एक्स्ट्रा ऐसी चाहिए हो कि हमें अलग से लानी पड़े या कुछ भी झंझट करना पड़े। बहुत आसानी से सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से हमने इसे बनाया। अब इसे इस तरह से देखिए 2-3 बार हम टैप करेंगे। अब यहाँ हम ना ओवन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ली है ये कढ़ाई। कढ़ाई को 5-10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दें आप, लो फ्लेम पे एकदम। और इसमें अब मैं रख रही हूँ स्टैंड, ये नहीं है तो आप कोई भी बोल वगैरह रख सकते हैं। इसके ऊपर हम अपनी केक टिन रखेंगे, और ढक के 40-45 मिनट्स के लिए हमें इसे पकाना है। फ्लेम को एकदम लो कर देना है, और 40 मिनट्स के बाद आप इसे चेक करें। अगर आपको लगता है कि केक बन गया है तो फिर आप फ्लेम ऑफ कर दें, और अगर लगता है अगर केक नहीं बना है तो फिर आप थोड़ी बहुत देर इसको और पकाएं। तो यहाँ मुझे लगभग 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं केक कितना अच्छे से फूला है, और बिल्कुल भी ये हाथों पे चिपक नहीं रहा। टूथपिक डाल के मैं इसमें देखती हूँ, बीच में डालेंगे टूथपिक, और देखिए टूथपिक पे भी ना केक बिल्कुल भी चिपक के नहीं आया है। नाइफ से भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए नाइफ डाला, नाइफ भी एकदम क्लियर आ रहा है, यानी केक हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 45 ही मिनट लगे, थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, डिपेंड करता है कि कितनी फ्लेम हमें मिल रही है, तो उस हिसाब से आप चेक कर लें बीच में। तो अब देखिए केक हमारा रेडी है, इसे ना ठंडा होने देंगे एकदम। 1 से 1.5 घंटा लगभग लग जाएगा इसे ठंडा होने में। ठंडे होने के बाद इसे करेंगे हम डीमोल्ड। तो एकदम ठंडा हो चुका है केक, और इसे ना अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। साइड से देखिए इस तरह से हम निकाल देंगे इसको, बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल और मैदा वगैरह लगाई थी,
तो काफ़ी इजीली देखिए डीमोल्ड हो गया, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। इसे देख के ना कोई नहीं बता पाएगा कि इसे हमने बिना ओवन के बिना एग वगैरह के बनाया है। ये देखिए अब कितना स्पॉन्जी है, एकदम स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार है, और कितनी इजीली इसको हमने बनाया है। तो आप चाहें तो इसी तरह स्पॉन्ज केक की तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर कुछ आइसिंग चाहते हैं तो आइसिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ना केक को कट कर रही हूँ दो स्लाइसेस में। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर वाला साइड है ना वो थोड़ा सा राइज हुआ था जब फूला था केक, तो थोड़ा सा उठ गया है, उसको हम इस तरह से काट देंगे, एकदम लेबल में ले आएंगे इसके ऊपर वाले पार्ट को। 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे हम। अब इसे हमें बीट करना है, तो क्रीम को तब तक बीट करेंगे जब तक कि इसके ना अच्छे से पीक्स नहीं आ जाते हैं, स्टिफ पीक्स आने तक। अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है आपके पास तो हैंड विस्कर भी आता है, आप उससे भी बीटिंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन गर्मियों में ना क्रीम को व्हिप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर चाहें तो एक बोल में ना थोड़ी सी आइस ले सकते हैं और उसके ऊपर ये क्रीम वाला बोल रख के व्हिपिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना स्टिफ पीक्स आने लगे हैं थोड़े थोड़े। अब यहाँ मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस, 4-5 ड्रॉप्स में इसकी डाल रही हूँ। अच्छा, मेरी ये क्रीम जो है वो ऑलरेडी मीठी है, तो यहाँ मैंने चीनी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाली है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्रीम हमारी विप होके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक टर्निंग टेबल जुगाड़ वाली बनाना, एक बोल रख लें उसके ऊपर रख दें एक प्लेट, उसके ऊपर हम रख देते हैं केक थोड़ा सा क्रीम लगा के। ये देखिए इस तरह से घूम जाएगी आसानी से। तो मार्केट से हम लेते हैं, काफ़ी महंगी आती है टर्निंग टेबल, इस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं घर में। अब ये शुगर सिरप है, थोड़े से पानी में ना चीनी को हमने घोल लिया है, और ये पानी हम लगाते रहेंगे अपने केक की स्लाइस पे, जिससे केक को ना थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा। तो सब तरफ मैं इसे लगा दे रही हूँ, और अब हमने जो क्रीम व्हिप करी है ना वो केक के ऊपर हम लगा देंगे। ये ज़रूरी नहीं, आप चाहें ना तो फिर स्पॉन्ज केक की तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम रखी हुई थी तो थोड़ा मैंने आइसिंग वगैरह कर ली है। पाइनएप्पल क्रश था मेरे पास तो मैंने थोड़ा यहाँ पे वो भी यूज़ कर लिया है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब जो दूसरी स्लाइस थी वो भी हम लगा देंगे ऊपर, और उसके ऊपर भी हम अच्छे से जो शुगर सिरप बनाया है उससे कोटिंग कर देंगे, चारों तरफ कर देंगे, जिससे बढ़िया सा केक में मॉइस्चर आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी हम अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर देंगे सब तरफ। तो ये देखिए बढ़िया से ना केक पूरा कवर हो चुका है क्रीम से। अब पाइपिंग बैग में ना मैं एक नोज़ल डाल दूंगी, कोई सी भी नोज़ल आप ले सकते हैं यहाँ, और देखिए ऊपर से जो पॉलीथीन थोड़ी सी निकल रही है ना उसको हम काट लेंगे। और इस पाइपिंग बैग में ना अब हम भर लेते हैं क्रीम जिसे हमने बीट किया है, और आप केक के ऊपर कोई भी डिज़ाइन अपने मन से दे सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केक की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी मैं, सिंपल सी बस ऐसे ही कुछ भी डिज़ाइन आप बना लें। और अगर आपके पास ना ये पाइपिंग बैग और नोज़ल वगैरह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दूध का पैकेट तो सबके यहाँ आता ही है, उसको अच्छे से धो के ना उसमें आप क्रीम भर लें, और कॉर्नर से उसको कट करके कुछ भी शेप अपने हिसाब से यहाँ दे सकते हैं आप। अभी जो क्रश मेरे पास रखा था पाइनएप्पल का, वो मैंने थोड़ा सा बीच में लगा दिया है और साइड्स पे लगा दिया है, और ऊपर से ना स्प्रिंकल्स हैं तो उनको भी मैं इस पे स्प्रेड कर दूंगी। बहुत ही बेहतरीन टेस्टी केक बन के तैयार हुआ है, बहुत आसानी से बना है। आप इस केक को घर में ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर ये सबको पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये, जितना सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।